हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम अपना जीके का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं। सेशन की आपकी पहली क्लास है जिसमें आपके लेसन का नाम है यूनिक एनिमल्स, मतलब कुछ स्पेशल एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। रीड द क्लू एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प लिस्ट। यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं जिसको पढ़ के आपको इनके नाम लिखने हैं। कार्निवस मैमल्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, मोस्टली लिव्स इन ट्री एंड यूजुअली हंट्स एट नाइट। मतलब कार्निवस मैमल्स में आता है एशिया और अफ्रीका के, और ये ज़्यादा टाइम जो है वो पेड़ों पे रहता है, और जो शिकार करता है ये वो रात को करता है। तो इसका नाम है लेपर्ड। अगला है आपका, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्लैक मास्क अक्रॉस इट्स आइज एंड द ब्लैक बैंड रिंगिंग द इट्स बुशी टेल। जो इसके फेस पर एक ब्लैक मास्क बना होता है इसके आइज के चारों तरफ, और जो इसकी टेल होती है वो थोड़ी फूली फूली होती है, उसमें ब्लैक रिंग्स से बने होते हैं। तो इसका नाम होता है रकून। ठीक है। ऑलमोस्ट एक्सटेंट दिस अफ्रीकन मैमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर हॉर्स। जो ये अफ्रीकन मैमल्स है इसे क्या कहते हैं, ज़्यादातर रिवर हॉर्स भी कहते हैं। इसका नाम है हिप्पोपोटेमस। फोर्थ है आपका, वन ऑफ द लार्जेस्ट डियर फाउंड इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये लार्जेस्ट डियर होता है जो कहाँ पर मिलता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में मिलता है। इसका नाम है एल्क। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में दे रखा है जो आपने पहले नहीं सुना होगा। ये कुछ डिफरेंट एनिमल है और उनके अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो फिफ्थ है आपका, नेक्टरल एम्फियोसिस एनिमल इलीगली हंटेड फॉर इट्स फर एंड ऑयल ड्राइव फ्रॉम इट्स फैट्स। तो जो इसको मारा जाता है वो मारा जाता है इलीगली, मतलब कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग इसे मारते हैं वो इसके फर के लिए और जो इसकी बॉडी से जो ऑयल निकलता है उसके लिए। ठीक है। तो इसका नाम है मिंक। सिक्स आपका, रेड ऑफ फॉर मिल्क हाइड एज अ पैक एनिमल इन तिब्बत। तो इसका जो दूध के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, तिब्बत की साइड में। तो यह है याक, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। अब नेक, तो लास्ट जो है वो है आपका, सॉलिटरी प्लांट ईटिंग एनिमल विद अ शॉर्ट ट्रंक। ये प्लांट ईटिंग एनिमल है और जिसके आगे छोटी सी सूंड होती है। इसका नाम है टैपिर। लास्ट है आपका, ट्री डेवलिंग परमिट विद अ लॉन्ग स्ट्रिप्टेड टेल। ये पेड़ पे रहता है ज़्यादातर और जिसकी पूंछ होती है उस पे स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं, इसे कहते हैं। ये है आपका लेमर। अब इसके बाद हम एक लेसन और करेंगे जिसका नाम है, ये है आपका सेकंड लेसन जिसका नाम है द ग्रीन वर्ल्ड। सम प्लांट्स हैव ग्रेट मेडिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ दीज प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छी मतलब मेडिकल प्रॉपर्टीज, में दवाइयों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ आपको बताए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम एक ही लेसन करेंगे और इस लेसन को आपको कॉपीज़ में करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है और नाम लिखना है, उसके बाद अपने क्लूज़ को लिखना है और साथ साथ उसके आंसर्स भी लिखने हैं। आप चाहें तो फोटोज़ भी पेस्ट कर सकते हैं, फोटोकॉपी करा के, जिनके पास बुक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है, पीडीएफ बना के भेजनी है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके, बाय।